पास एक जो क्वेश्चन है वो क्या है, ए वेक्टर इज अ पोजिशन वेक्टर। क्या बोल रहा है कि ए वेक्टर है वो क्या है, आपके पास एक पोजिशन वेक्टर है, हुज टिप इज दिस। देखो सबसे पहली बात यहां पर ये आती है कि आपको मैंने वेक्टर बताया है, वेक्टर जब मैंने पढ़ाया है आपको तो आपको क्लास में ये बताया है मैंने कि वेक्टर को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कोई भी एक वेक्टर ले लेता हूं, ठीक है, कोई भी इसका सर्टेन लेंथ है बोल सकते हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसका मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन इसका हम लोगों ने ईस्ट की तरफ ले लिया है। ठीक, अब देखिए जो मैं बोलने वाला हूं, मैं वो ये बोलने वाला हूं कि देखिए जैसे आपके पास ये वेक्टर है, मान लीजिए ये पॉइंट आपके पास ए है, ये पॉइंट आप, यदि मैं ए बी तो छोड़ देता हूं क्योंकि ए बी आपके पास यहां पर यूज हो रहा है, मैं इसको नाम दे देता हूं पी और क्यू नाम दे देता हूं। तो इस वेक्टर की जो लंबाई हो गई इसको आप लोग क्या बोलेंगे, पी क्यू वेक्टर बोलेंगे, करेक्ट। यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आप लोग इसका मॉडुलस लगा देंगे, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है लिखने का। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप पी क्यू वेक्टर की जगह आप इस पूरे वर्ड को ही कोई भी एक नाम दे दीजिए, मान लीजिए कि इसको मैंने एम वेक्टर बोल दिया। सिमिलरली इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो क्या गिवन है, इफ या फिर ए वेक्टर इज अ पोजिशन वेक्टर। जो ए वेक्टर है जैसे ये है, ये आपके पास देखा जाए तो ये पोजिशन वेक्टर ही तो है आपके पास, ठीक। इसको हम लोग एम वेक्टर से भी दिखा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जो ए वेक्टर है वो क्या है, एक पोजिशन वेक्टर है, ठीक, जिसका टिप जो है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 1-3। कितनी है, 1-3। तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूं इसको, मतलब मैं सीधा सीधा इसको ये लिख सकता हूं कि ए वेक्टर जो है वो आपके पास, यदि मैं मान लू कि जैसे ये पी है, पी की जगह यदि मैं इसको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ले लू तो ये क्या हो गया, दिस माइनस 0 0। तो मतलब आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, आई कैप माइनस में 3j कैप। समझ में आ गया क्या बोल रहा है, ए वेक्टर इज ए पोजिशन वेक्टर हुज टिप इज दिस, ठीक है। इसको मैंने वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी, आपको पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट बताना है सच दैट ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। आपको क्या गिवन कंडीशन है कि ए बी वेक्टर है उसकी जो वैल्यू है वो ए वेक्टर के बराबर है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। बच्चों क्या बोल रहा है, बोल आपके पास ये रहा है कि ए बी वेक्टर जो है, ए बी वेक्टर जो है उसकी वैल्यू ए वेक्टर के बराबर है, और आपको ऊपर क्या बोला है, ए वेक्टर इज ए पोजिशन वेक्टर जिसकी वैल्यू आपके पास इसके बराबर है, ठीक है। अब आप बस इसका ये मतलब समझिए कि ए वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है, और ए बी वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। और आपको निकालना क्या है, इफ ए इक्वल्स टू ए वेक्टर इफ ए हैज द कोऑर्डिनेट इज दिस, मतलब और बोला हुआ है कि जो ए है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है आपके पास, इतना है। वैसे तो यहां पर कैपिटल ए आना चाहिए क्योंकि इफ ए हैज द कोऑर्डिनेट, क्योंकि इसने बोल दिया कि यहां पर जो स्मॉल ए है उसकी वैल्यू आपके पास इतनी है, तो इफ कैपिटल ए हैज द कोऑर्डिनेट मतलब आपके पास जो ए वेक्टर है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है आपके पास, चाहे तो आप इसको ओ ए वेक्टर लिख सकते हैं एज योर विश, उसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस आई प्लस में 5j, आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो मत लिखिए, डायरेक्टली आप उसमें पुट कर दीजिएगा। मैंने आपको हमेशा बताया कि कोऑर्डिनेट किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में ही होता है, तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, ओरिजिन की रेस्पेक्ट में। तो देखिए यहां से ओ ए वैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, इतनी हो गई। अब देखो अब आपको निकालना क्या है, निकालना यहां पर क्या है ये देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी, आपको बी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखिए आप इस वाली कंडीशंस को यूज कर लीजिए, आप इसको क्या लिख सकते हैं, पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस में पोजिशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू ए बी वेक्टर लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आई, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए बी वेक्टर को हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, यहां से हम लोग पोजिशन वेक्टर ऑफ बी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ए बी वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर, ए वेक्टर के बराबर, प्लस यहां पर क्या लिख सकता हूँ, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ बी। मेरी बात समझ में आ गई होगी कि ए बी वेक्टर के बराबर मेरे को ये कंडीशन गिवन थी, इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, दिस इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया, पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू ये हमारे पास बचा रह गया। हमें क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी निकाला, मतलब पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट बताने हमें। तो यहां से देख लीजिए कितना हुआ, ए वेक्टर की वैल्यू आपके पास कितनी है, आई कैप माइनस में 3j कैप, प्लस में पोजिशन वैक्टर ऑफ ए कितना है आपके पास, ये देखिए ये हमारे पास कितना गिवन है, माइनस का आई कैप प्लस का 5j कैप इज इक्वल टू क्या हो गया, पोजिशन वैक्टर ऑफ बी। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए कितना हुआ, देखिए इसको सॉल्व करेंगे ये कितना हो गया, कैंसिल आउट हो गया, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, -1, इसका कितना है, 1, कैंसिल आउट हो गया। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो कितना बच रहा है, ये प्लस का 2j कैप बच रहा है।
दिस इज द पोजिशन वैक्टर ऑफ बी। तो मतलब यहां से चाहे तो इसको हम लोग ओबी वैक्टर भी बोल सकते हैं, इट डजेंट मैटर। तो बच्चों देखिए यहां से हम लोग को सीधा सीधा क्या दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा ये दिखाई दे रहा है कि जो पोजिशन वैक्टर ऑफ बी है मतलब जो पी बी है वो ओनली वाई के अंदर है, एक्स के अंदर नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि यदि मैं इसे कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूंगा, यदि कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूंगा वेक्टर की बजाय यदि मैं कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, जे किसको दिखाता है वाई को, मतलब क्या हुआ टू, और एक्स के अंदर वैल्यू कितनी है जीरो। तो मतलब क्या हुआ कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा बी का वो क्या होगा जीरो कोमा टू। तो देखिए इसके अंदर कोई ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ही है, मतलब दिस इज द आंसर। बात समझ में आ गई। तो बच्चों हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था, कंडीशन हमारे पास ये वाली कंडीशन थी, इस कंडीशन को बेसिकली मैंने यूज किया और कुछ भी नहीं किया। ए बी वेक्टर की वैल्यू मैंने लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दी एंड देन इसके अंदर मेरे पास ए का वैल्यू पता था, ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी और मैंने कुछ भी नहीं किया। समझ में आ गया पक्का? यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके लिख देना कि सर यहां पर दिक्कत है, समझ में आ गया तो लाइक कर देना। ओके।